पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी को बैन कर दिया गया है। दलील दी जा रही है कि राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए इस फिल्म को बैन किया गया है, लेकिन अब सियासी तौर पर और ज्यादा विवाद गर्माता नजर आता है। जो इसको सियासी तौर पे नहीं देख रहा था पश्चिम बंगाल में बैन करने के बाद, वो भी इस तरीके से देखेगा इसे। साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या वो आतंकवादी संगठनों को एक्सपोज करने के इस प्रयास के साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या भविष्य में ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव ना हो, बच्चियों को अपने जाल में ना फंसाया जाए, बेटियों को, तो उसके साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जैसे दल आज कहां खड़े हैं? इन आतंकवादी संगठनों के पर्दाफाश किया गया तो इस फिल्म के साथ खड़े हैं, किसके विरोध में खड़े हैं? चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का जब ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो आईएसआईएस की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे केरला, उन्होंने कर्नाटक के दौरे पे भी कहा कि कंटेंट से ज्यादा जो विषय है उस पर फोकस किया जाए। क्या आपको लगता है समूचा विपक्ष इस बात को समझना नहीं चाह रहा है, समझना नहीं चाहता है, या उनकी भी कोई मजबूरी है पॉलिटिकल? मुझे लगता है जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात है तो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, और आतंकवाद के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव अगर हमारे गॉड्स ऑन कंट्री केरल के बड़े हिस्से में की जाती है और हजारों करण की राजनीति की जा रही है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल सरकार अगर द केरल स्टोरी को बैन कर रही है तो आखिर क्यों कर रही है? क्यों जो संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनके साथ में खड़े हुए लोग नजर आते हैं? इस फिल्म को लेकर जब याचिका कोर्ट में दाखिल की गई तो कोर्ट का बहुत बड़ा कमेंट था कि इस फिल्म से परेशानी सिर्फ आईएसआईएस को समर्थन करने वाले लोगों को ही हो सकती है।